मुझे तो बस मोदी, चारों तरफ मुझे मोदी ही दिखते हैं और मोदी के अलावा कोई नहीं दिखता है। अब पूछेगा क्यों, तो जहाँ क्यों आता है वहाँ मोदी नहीं आते हैं, उनकी कोई क्यों नहीं है, जहाँ क्यों है वहाँ मोदी नहीं है। मैं तो बस मोदी जी को ही देखती हूँ। अच्छा। जी, मोदी के अलावा मैं किसी को ना देखना चाहती हूँ और ना भी देखती हूँ। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बने, आने वाली सरकार फिर बीजेपी है। 24 का क्या लग रहा है आपको? 24 में तो मोदी है, तो जिससे है वही बनेगा मोदी जी। अच्छा, क्या कारण है मोदी जी? मोदी बहुत कारण है मोदी जी। मैम क्या नाम है आपका? अंजू। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड रांची से। अच्छा, झारखंड रांची से रहने वाले हैं, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए? मुझे तो बस मोदी, चारों तरफ मुझे मोदी ही दिखते हैं और मोदी के अलावा कोई नहीं दिखता है। अब पूछेगा क्यों, तो जहाँ क्यों आता है वहाँ मोदी नहीं आते हैं, उनकी कोई क्यों नहीं है, जहाँ क्यों है वहाँ मोदी नहीं है, इसलिए उनकी कोई क्यों की प्रश्न ही नहीं उठती है। बस मोदी इज़ ग्रेट, ऑल ऑफ द बेस्ट। अभी झारखंड में कांग्रेस सरकार है, जेएमएम के साथ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो काउंट कर रहे होंगे कि झारखंड में हमारी सरकार है तो हमारी ही सीटें आएंगी। अगर मैं तो झारखंड से ही शुरू से हूँ, पैदाइशी मेरी झारखंड की है, बट मैं कभी नहीं चाहूँगी कि शिबू सोरेन फिर से आए, क्योंकि वो जब से आए हैं हमारे झारखंड में आतंक ज़्यादा हो गई है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ ज़्यादा हो गई है। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हमारे फिर से शिबू सोरेन आए और हमारा झारखंड फिर से बर्बाद हो। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? जो भी मैं भाजपा की ही सरकार देखनी चाहूँगी, मतलब मोदी, मैं बताई ना, मैं हर जगह मोदी को देखना चाहती हूँ, ऑल ओवर इंडिया मोदी। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम दुबे है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से रहने वाली हूँ, गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर। गोरखपुर तो योगी आदित्यनाथ जी की नगरी है। जी जी। किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मैं तो बस मोदी जी को ही देखती हूँ। अच्छा। जी, मोदी के अलावा मैं किसी को ना देखना चाहती हूँ और ना भी देखती हूँ। क्या कारण है इसके पीछे? मोदी जी के राज में हम लोग देखते हैं कि यूपी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और थोड़ी बहुत सेफ्टी भी हम लोगों को मिली है, ज़्यादा तो नहीं मिली लेकिन थोड़ी बहुत मिली है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सेफ्टी ऐसे ही मतलब बनी रहे और बनती रहे। कुछ लड़कियों की गलती है, कुछ लड़कों की गलती है, तो इसलिए हम कहेंगे गर्ल्स को थोड़ा सा अपने तरफ से सेफ्टी होना चाहिए और उनको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मोदी जी के राज में बहुत ज़्यादा गुंडापन कम हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको फॉलो करें और थोड़ा सा और इसको कंट्रोल करें। एक कमेंट मैं ये लेना चाहूँगा, अभी जैसे मैं भाई से व्यू ले रहा था उनका, तो उन्होंने उसके बाद योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वैसे ही गोरखपुर के लिए जाने जाते हैं, जो गोरक्षधाम है उसके जो है पीठाधीश्वर भी हैं, तो जब उनका नाम आता है प्रधानमंत्री के लिए तो क्या कहेंगे आप, उसी क्षेत्र से हैं आप? मैं यही कहूँगी कि आदित्यनाथ बाबा के राज में गोरखपुर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पाया है, मेडिकल और एम्स और अच्छे अच्छे कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ के जो मंदिर हैं, और दिल्ली से भी बेहतर हम गोरखपुर को पाते हैं अपने, और वहाँ पे दिल्ली से ज़्यादा सेफ्टी हम लोग फील करते हैं। नीतीश कुमार कभी कभी भविष्य में भी कभी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते कभी भी, अपने मोदी जी के ही अलावा कहते 2024 में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और चौथी बार कहते अपना योगी जी अपने तैयार हो चुके हैं, योगी जी के ही अपना प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली के आप रहने वाले हैं, केजरीवाल जी सुनेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे आपसे, आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल को बनाना चाहिए? नहीं नहीं, केजरीवाल कभी भविष्य में भी कोई नहीं बन सकता प्रधानमंत्री उनमें से, मेरे को ऐसा कोई वैश्य नहीं लगता जो अभी प्रधानमंत्री पद पर खड़ा हो सकता है। अभी सिर्फ मोदी जी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ जी। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले जी। कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मेरे को दिखाई नहीं देता जो मोदी जी ही अपने बेस्ट हैं, मोदी जी के अलावा ना ना अपना कोई होगा ना आगे कोई होगा, आगे सिर्फ अपने योगी जी बैठे हैं, अभी तो फिलहाल मोदी जी ही हैं अपने। आप आगे की भी तैयारी कर ली होगी? आगे की भी तैयारी कर ली है, मोदी जी के बाद अपने योगी जी आएंगे। बहुत से नेता बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार तो कब से निकले पड़े? नीतीश कुमार कभी कभी भविष्य में भी कभी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते कभी भी, अपने मोदी जी के ही अलावा कहते 2024 में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और चौथी बार कहते अपना योगी जी अपने तैयार हो चुके हैं, योगी जी के ही अपना प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली के आप रहने वाले हैं, केजरीवाल जी सुनेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे आपसे, आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल को बनाना चाहिए? नहीं नहीं, केजरीवाल कभी भविष्य में भी कोई नहीं बन सकता प्रधानमंत्री उनमें से, मेरे को ऐसा कोई वैश्य नहीं लगता जो अभी प्रधानमंत्री पद पर खड़ा हो सकता है, अभी सिर्फ मोदी जी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके। एक आखिरी कमेंट, 24 का मैंने पूछा था आपने 29 की बात कर दी, तो इतने सारे मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ का ही नाम क्यों? योगी योगी जी का काम दिखाई दे रहा है ना, योगी जी ही द बेस्ट,
योगी जी ही अपना यूपी का पूरा कहाँ क्या बेड़ा गर्व था यूपी का, आज योगी जी के आने से ही अपना यूपी बहुत बहुत बढ़िया बन गया है अपना। हम आधी रात में चले जाए, 12-1 बजे 3 बजे कभी भी चले जाए, कभी कोई डर नहीं है यूपी में अपना। ठीक है, क्या नाम है आपका? संदीप बालियान। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री अगले साल? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बने, आने वाली सरकार फिर बीजेपी है। क्या कारण है, कैसे मोदी जी? ये है कि डेवलपमेंट देखो आप, तरक्की देखो हमारे इंडिया के अंदर, जब तक मोदी आए हैं तब तक ही तरक्की चली हुई है, उससे पहले हमें कोई तरक्की या डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था। वहाँ की कोई क्षेत्रीय पार्टी को नहीं आप लाना चाहते, मायावती? क्षेत्रीय पार्टी क्या है, क्षेत्रीय पार्टी जब आती है तो गुंडा राज आता है, तो गुंडा राज खत्म करने के लिए तो बीजेपी ही बेस्ट है। ये अभी बहुत चल रहा है डिबेट की, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया जा रहा है, कानून व्यवस्था स्थापित की जा रही है, एक आम निवासी होने के नाते कैसे देखते हैं? एक आम निवासी होने के कारण मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जो हमारे बहन बेटियाँ दिन दहाड़े मतलब लूटपाट होती थी, मर्डर होते थे, रेप होता था, अब सब जब से योगी सरकार आई है ये सब कुछ खत्म हो चुका है। आप रात के 12 बजे भी हमारी बहन बेटियाँ सेफ है, सुरक्षित है, अपने घर से बाहर निकल सकती हैं। ठीक है, आपने शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? सादरा के। शादरा के रहने वाले हैं, दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर क्या लग रहा है, अगले साल अहम चुनाव है, एक साल से कम समय रह गया है, 9 साल हो चुके हैं सरकार के, एक आम निवासी होने के नाते सभी नेताओं में किसको देख रहे हैं आप अगले साल प्रधानमंत्री देश? हम तो जिससे है वही बनेगा, मोदी जी। अच्छा, क्या कारण है मोदी जी? मोदी बहुत कारण है, बहुत कारण है। जैसे कुछ एक दो एग्जाम्पल? अरे इंडिया गेट देख लो, बहुत काम है, गिनती भी नहीं है, इतने काम है उनके। सर क्या नाम है आपका? मनीष। कहाँ के रहने वाले मनीष? अहमदनगर। अहमदनगर उत्तर प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से इंडिया गेट देखने के लिए आए, घूमने के लिए आए? हाँ हाँ। अच्छा सर, एक साल का समय रह गया है, 9 साल अभी जो है सरकार सेलिब्रेट कर रही है, एक आम जनता होने के नाते, इस देश के मतदाता होने के नाते आप किसको देख रहे हैं, आपके मन में कौन है अगले साल कैपेबल प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए? मोदी जी। मोदी जी, अच्छा क्या कारण है इसके पीछे, इतने सब नेताओं में मोदी जी को क्यों चुना? बहुत सारे काम कर रहे हो, 9 साल हो गए, इसकी वजह से ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, यानी कि आपको कुछ ड्रास्टिक चेंज लगी 14 से 23 तक, मतलब कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले कि आप दोबारा से बीजेपी को देखना चाह रहे हैं? ये 370 का जो मुद्दा उन्होंने उठाया और जो करके दिखाया, ये सबसे बेहतर है। यानी कि उसकी आवाज़ जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक भी चल रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? साथी। अच्छा, आप अपनी राय बता दिए, क्या नाम है सर? गणेश दीक्षित। आप कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में कहाँ? अहमदनगर। अच्छा, अहमदनगर के हैं। आप किसको देखना चाह रहे हैं अगले साल प्रधान? मोदी साहब। राहुल गांधी लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकाल के आए थे वहाँ से, अभी तो खैर सदस्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या कारण है ऐसा, क्यों ये मोदी मैजिक क्यों इतना चलता आ रहा है, 9 साल हो गए अभी भी आप कह रहे हैं? बहुत विकास हो गया है देश का, इसलिए। यानी कि विकास, डेवलपमेंट एक बड़ा कारण? बहुत बहुत हो गया। अच्छा, कुछ दिन पहले सर नई संसद का उद्घाटन हुआ, यहीं पर सामने नई संसद बनी और आपने सुना होगा उसको लेकर के काफ़ी विवाद किया गया, कुछ पार्टियों की तरफ से बॉयकॉट भी किया गया। महाराष्ट्र से एनसीपी का, क्योंकि वहां पर कैडर है, शरद पवार वहां से आते हैं, एक बड़े एक्सपीरियंस नेता है, उनका कल अब एक बयान आया नई संसद को लेकर के। आपने फोटोज देखे थे जब नई संसद का उद्घाटन हुआ, तो साधुओं को बुलाया गया था तमिलनाडु से, उन्होंने सेंगोल दिया, उनका सम्मान हुआ, तो शरद पवार ने सवाल उठाया कि उनको क्यों बुलाया गया, साधुओं को क्यों बुलाया गया यहां पर, सांसद जो चुन करके आए उनको क्यों नहीं आगे जान दिया? क्या प्रतिक्रिया सर आपकी इस पर, क्यों उन्होंने ऐसा कहा? हमारी जो परंपरा है उसी के हिसाब से सब हो गया, वो जो होना चाहिए था उसका उद्घाटन उसी की परंपरा की तरह हो गया, इसलिए अच्छा है वो। शरद पवार को क्यों पसंद नहीं आया वो, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? उनकी खुद की राय है, सबकी अलग अलग राय हो सकती है, वैसे उनकी खुद की राय है। वैसे आपका क्या कहना है, जो बुलाया गया, जो तंजोर हमारा चोल साम्राज्य बहुत पुराना इतिहास है, हजारों साल तक उन्होंने राज किया, कंबोडिया इंडोनेशिया कहाँ तक जो है उनका साम्राज्य था, वहाँ से उसी मठ के संतों को बुलाना क्या सही था या गलत था? क्योंकि शरद पवार तो कह रहे हैं ये तो नहीं बुलाना चाहिए था, ये गलत किया उनको? संसद तो सभी की है ना, भारत सभी का है ना। जी जी, हाँ, ये जो उन्होंने संतों को जो बुलाया था वो उनका भी हक है ना, ये जो प्रोग्राम रखा था वहाँ पर आने के लिए उनका भी हक था। धन्यवाद। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे, उनकी क्या क्या राय जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? लोकेश। कहाँ के रहने वाले लोकेश जी? मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान के रहने वाले हैं सर, राजस्थान में तो अभी भूचाल सा मचा हुआ है, क्या लग रहा है 11 तारीख को सचिन पायलट क्या करेंगे वहाँ पर, कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव? नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा।
वहीं पे रहेंगे कांग्रेस में, कांग्रेस में ही रहेंगे। ओपनली अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए? ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावटी है और कुछ नहीं। अच्छा, सब दिखावा। क्या लग रहा है आपको राजस्थान में कौन सरकार बनाएगा? राजस्थान में मेरे ख्याल से जहाँ तक है मैं हूँ तो अशोक गहलोत वापस आएगा। अच्छा, बढ़िया काम किया। और 24 का क्या लग रहा है आपको? 24 में तो मोदी है। 24 में मोदी? यस। अच्छा, क्या कारण है 24 में मोदी? क्यों नहीं? बहुत से फैक्टर हैं, एक तो डेवलपमेंट है, आप कहीं का देख लो ना, जो आरओ मिल बनाए वगैरह बनाया है, और भी चीज़ें, रोड वगैरह बहुत बढ़िया हो गए। अभी एक रोड बना जो ये दिल्ली मुंबई वाला बना, रोड बनाया, तो कुछ चीज़ें तो है ना। हाँ, तो बहुत चीज़ें हैं। तो आज की पब्लिक की मेन चीज़ क्या होती है? एक तो रोड बढ़िया मिलना चाहिए सबसे बेस्ट, तो एक लाइट मिले, रोड और बिजली और पानी, तीन चीज़ें होती हैं, तो सारी चीज़ मिल रही है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेश्वर है। आप अगले साल, एक साल रह गया, किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं आप? मोदी जी को। मोदी जी को? बहुत से नाम है, मोदी जी क्यों आपने नाम लिया, क्या कारण है? बस मोदी जी बेस्ट है। अच्छा, मतलब वही आने चाहिए? वही आने चाहिए। अच्छा, बहुत से नेता जो बाकी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी को ही आना चाहिए। नाम? नाम? मेरा नाम शक्ति है जी। कहाँ के रहने वाले शक्ति? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब? पंजाब तो बहुत बड़ा है, पंजाब में कहाँ के रहने? अच्छा, अमृतसर के रहने वाले हैं। सर, अगले साल अहम चुनाव है 2024 का, और अमृतसर भी हमेशा से हॉट सीट रही है। क्या लग रहा है आपको कि पहले अमृतसर से आप किसको देखना चाहते हैं सांसद के रूप में, उसके बाद प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? सर, ऐसा है हमारे पंजाब में अब तक तो वैसे वो केजरीवाल की सरकार आई हुई है, अभी तो केजरीवाल की है, ठीक है। हाँ, बाकी देखते हैं कैसा है, कैसा चलेगा। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी भी सही है। मोदी जी सही है? क्या कारण है, मतलब क्यों लग रहा है आपको मोदी जी क्यों रिपीट होने चाहिए? वैसे तो सर अच्छे लगे, जैसे कुछ भी फंक्शन देखा मैंने, कुछ भी जैसा भी किया उसने अच्छा ही किया हुआ है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है।